चलिए गुड मॉर्निंग। 9.10 के अंदर हम चल रहे थे क्लास प्लस वन के लिए चैप्टर 9 सीक्वेंस सीरीज टॉपिक चल रही थी स्पेशल सीरीज। स्पेशल मतलब जो ना एपी में थी ना जीपी में थी। कल लगातार 5 क्वेश्चन किए थे, आज 6 करा रहे हैं हम। कल देख रहे थे हमने 5th क्वेश्चन 2 तरीकों से किया था, 13 का स्केयर अप टू एन टर्म्स तक जाना है, अप टू एन टर्म्स तक। तो कहते हैं इन सबका सम कर दीजिए, सम कर देते हैं इन सबका। किसका वाला 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर एन टर्म्स तक। ऑब्वियस ही बात है अगला जो होगा और चलिए 9 11 13 15 स्क्वायर चलेगा अगला, कहने की जरूरत ना पड़े। अगला 15 स्क्वायर, फिर अगला 17 स्क्वायर। तो स्क्वायर की साउंड सब में है, स्क्वायर सब में है, नीचे वाला चेंज हो रहा है 9 11 13। तो मैं कल ये बता रहा था तो हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन। क्या मतलब? वी नो दैट, क्या हमें पता है ये बात, SN जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा एन होता है। एस एन जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा एन। फर्स्ट सेकंड हो गया। तो अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं और 11 का स्क्वायर भी लूं और सबका स्क्वायर लूं तो एपी नहीं बना रहे हैं। मेरा मतलब ये एपी में नहीं है, 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर एपी और जीपी नहीं है। कहता है ये एपी और जीपी नहीं बना रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हमें एपी और जीपी नहीं बना रहे तो रिजल्ट निकालने मुश्किल हो जाएगी आपके पास। तो हम किस तरह से निकालेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। क्या मतलब? 9 11 13 15 उठा लेते हैं, सारा स्केयर उठाने की बजाय। क्यों? जो स्केयर है वो सब में आ रहा है। मेरा मतलब क्या है, जो स्केयर की साउंड है वो सब में है। स्केयर की साउंड सब में का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाले में भी स्केयर आ रहा है 9 स्केयर, अगले वाले में स्केयर ही आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा, स्केयर 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 सब में आ रहा है। तो 9 11 13 15 अप टू n टर्म्स तक आर इन एपी में होंगे। स्क्वायर छोड़ दिया अभी, n टर्म में देखेंगे तो an का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इनटू b। तो n टर्म का फॉर्मूला कितना होगा, a 9 तो पता ही है, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2 का आएगा, 9 प्लस 2n माइनस 2 तो क्या आएगा 2n plus n। ये क्या आएगा एनट्रम, ये क्या आ रही है इसकी एनट्रम, एनट्रम निकाल किसकी निकाली एनट्रम बताओ, लास्ट टर्म किसकी निकाली है 9 11 13 की। क्या आएगी 9 11 13 15 अप टू n टर्म्स तक ap में, तो क्या आ गया एनट्रम a plus n minus 1 to d, 9 plus n minus 1 to d, d क्या आएगा 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 का, तो 2n माइनस 2 तो 9 में से 2 गया 7, 2n प्लस 7। ठीक है 2n प्लस क्या आ गया 7, पर ये जो एनट्रम आई 2n प्लस 7 वो 9 11 13 15 की आई है, क्वेश्चन की नहीं आई है। किस क्वेश्चन की, 9 स्क्वायर की नहीं आई है, पर यहाँ पे स्क्वायर भी दिया हुआ है, मैंने 9 दिया है, 9 स्क्वायर दिया हुआ था, 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर 15 स्क्वायर एन टर्म तक। तो मैंने पूरा ना लेके 9 11 13 15 लिया एन टर्म्स तक, क्या आ गया एपी में, तो एन टर्म क्या आ गई ए प्लस 9 प्लस एन माइनस 1 टू डी 2 एन माइनस 2 2 एन प्लस 7। बट ये तो एन टर्म जो आई वो 9 11 13 की आई, तो देयर फोर एन टर्म ऑफ 1 बिकम्स कितनी आ जाएगी, देखो ये समझ आती है आपको, एन टर्म ऑफ 1 की कितनी आएगी 1 की, इसकी कितनी आएगी 1 की, वो आ जाएगी ए एन इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू 2 एन प्लस 7। ए एन इक्वल्स टू क्या आएगा सोचो, 2 एन प्लस 7 का होल स्क्वायर सोचो। क्यों? क्योंकि ये 9 11 13 की एनट्रम आई है पर क्वेश्चन में स्क्वायर भी दे रखी है, तो स्क्वायर का आ गया, पुट करा दो इनटू, तो एसएन कितना होगा सिग्मा, एएन की वैल्यू यहां पुट करा दो तो कितना आ गया 2n plus 7 का होल स्क्वायर सिग्मा 4n स्क्वायर 49 28n। तो Sn कितना आ गया सिग्मा 4n स्क्वायर सिग्मा 49 सिग्मा 28n, 4 बाहर आ जाएगा 49 बाहर आ जाएगा।
सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। जो लिखवाई हुई है 49 आ जाएगी। सेवंथ है, सेवंथ है, नाइन हो गया, इलेवन हो गया, थर्टीन हो गया, फिफ्टीन हो गया, था ही नहीं पर स्केयर वाले एपी में नहीं हुए, तो स्केयर सबके साथ था, तो एनर ड्रम के साथ भी उसका स्केयर लिख देते हैं, बस ऐसे कर देते हैं, पुट करा देंगे मन में। बाकी आगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सिग्मा वाले मैंने सारी प्रॉपर्टीज कराई है, तभी मैंने कहा था लास्ट पेज पे लिख। अगर आपने लास्ट पेज पे लिखनी है 4 बाहर सिग्मा एन स्क्वायर, 49 बाहर सिग्मा 1, 28 बाहर सिग्मा, अगर ये सॉल्व करना नहीं आता तो सिग्मा प्लस में अलग अलग हो जाता है, 4 बाहर आ जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू, 49 बाहर आ जाएगा सिग्मा 1 की वैल्यू, 28 बाहर आ जाएगा सिग्मा एन की वैल्यू। सेवंथ है, 5 × 6 है, 6 × 7 है, 7 × 8 है, अप टू एंड टर्म्स है, 5 point नहीं है, decimal नहीं है, point या decimal नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो कहता है इसको मल्टीप्लाई की तरह सोचना है। अगले वक्त अब टेंथ की एनर टर्म निकालो, टेंथ क्वेश्चन करा रहा हूं, 1/2 का स्क्वायर, जिसकी साउंड सेम है उसकी टेंशन नहीं लेनी, 1/2 स्क्वायर, 2/2 स्क्वायर, मिक्स फ्रैक्शन नहीं, 3/2 स्क्वायर सोचो, जो तो सेम चल रहे हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी, नहीं लेनी, जो नए आएंगे उनकी टेंशन रखनी चाहिए, मेरा मतलब जो चेंज होंगे उनकी टेंशन होनी चाहिए, जिसकी साउंड सेम हो, 1/2 स्क्वायर, 2/2 स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर, वी नो दैट एस एन सिग्मा एन होता है, हियर 1, 2, 3 अप टू एन टर्म्स का आर इन ए पी में, कौन बोला 1, कौन बोला 2, कौन बोला 3, अप टू एन टर्म्स तक आई क्या होगा एपी में होगा, एपी 1, 2, 3 अप टू एन एपी में, तो इसकी एनर टर्म निकाल दो, तो इसकी एनर टर्म क्या होगी सोचो, a प्लस एन माइनस 1 × d, a कितना है, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, कितना आ गया, अब एनर टर्म ऑफ 1 बिकम्स क्या होगा, एनर टर्म ऑफ 1 बिकम्स वन की एनर टर्म क्या होगी, अब सोचो दिमाग से, मैंने उठाए कौन से, सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3, क्यों, यही चेंज हो रही है, बाकी की साउंड सेम है, हाफ स्केयर, हाफ स्केयर, हाफ स्केयर, तो एनर टर्म क्या आएगी सोचो, एन इक्वल टू 1, 2, 3 की तो आएगी, कहां पे निकाली है, हाफ स्क्वायर, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर दो, 2n + 1/2 का होल स्क्वायर, 4n² + 4n/4, अब अलग अलग करा लो, वन बाय फोर, 4n/4 ये आएगा, 4 से 4 कटेगा एन स्क्वायर, अब इसकी पुट करा दो वैल्यू से, कहां करा दोगे 2, एस एन कितना आएगा सिग्मा, सिग्मा एन स्क्वायर 1/4 एन,
अलग अलग कर लो, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, आंसर आ जाएगा आंसर। कैसे निकालना, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया, आई क्या एनाटम सोचो, वन टू थ्री के एनाटम क्या आई, एन आई, तो एनाटम वन की क्या आई, वन बिकम्स की, एनाटम ऑफ वन बिकम्स की क्या, एन हाफ का स्क्वायर, टू एन प्लस वन इंटू हाफ का स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा वन बाय फोर, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दो, एन एन प्लस वन, वन बाय फोर बाहर आ जाएगा, प्लस सिग्मा एन, करा दो सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू, वैसे तो अपने आप आनी चाहिए आपको, ये तो कौन करा के दिखाएगा, प्लस वन बाय फोर एन प्लस सिग्मा एन की वैल्यू, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ट्वेल्व, ट्वेल्व, वन प्लस, वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री प्लस फाइव, मेन तो आपको एनाटम निकालनी आनी चाहिए, एनाटम अगर आपको सही ढंग से आपने निकाली एनाटम वन की, पहले वाली की, तो कोई दिक्कत ही नहीं, एन इंटू हाफ, टू एन प्लस वन का टू का उसके, फिर तो आगे एन सिंप्लीफाई किया, पुट करा दो इसको, पुटी कराने, फिर तो फॉर्म नहीं लगने, सिग्मा एन स्क्वायर की अलग हो जाएगी, सोचो सिग्मा वन बाय फोर अलग हो जाएगा, सिग्मा एन अलग हो गया, वही क्या होगा, वन बाय फोर बाहर ले लिया, सिग्मा वन, सिग्मा एन लिखा हुआ है, अगर नहीं भी दिख रहा तब भी लिखा हुआ है, सिग्मा वन की वैल्यू एन, सिग्मा एन की वैल्यू, वी नो दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते, और वन प्लस, वन प्लस थ्री फोर, प्लस प्लस नाइन, अब तो क्या आएगा एन टर्म्स, और इसको तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, अब तो क्या आएगा एन टर्म्स, ये क्या आएगा, ये तो सीधा फॉर्मूला बन गया, विच इज इक्वल्स टू, ये तो सीधा सिग्मा एन स्क्वायर बन गया, क्यों, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, क्या बन गया, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, आंसर वन प्लस थ्री प्लस फाइव, और वन, वन प्लस थ्री फोर, वन प्लस थ्री प्लस फाइव नाइन, वन को वन का स्क्वायर, फोर को टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, प्रिंटर को सिग्मा क्या आ गया, सारे का सारा सिग्मा क्या आ गया, एन स्क्वायर, क्यों, ये तो सीधे फिफ्टींथ है, चलिए पंद्रह तक करना है, फोर्टीन नहीं होगा आज का होमवर्क, पंद्रह तक कर, फिफ्टींथ तक कर रही, पंद्रह में सीधा बोला गया आसान सा क्वेश्चन है, एक बार जब तो करोगे नहीं हाफ नहीं खुले, फिर जो डाउट है बोलना 14 पार्शियल फ्रैक्शन वाला बोला था, और एक 16 17 एक जैसे होते हैं वो बता दूंगा, 15th करा रहा हूँ, कहता है फाइंड करो सम ऑफ एन टर्म्स, हूज एन टर्म दे रखी है, थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, इस बार एन टर्म दे रखी है, ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, टू एन, टू की पावर एन प्लस टू एन प्लस टू, सॉल्यूशन ए एन आता है एन स्क्वायर, टू की पावर एन, टू एन प्लस टू, सॉल्यूशन वी नो दैट एस एन जो होता है वो सिग्मा ए एन होता है, और ए एन तो साफ दिया हुआ है, सोचो
वो कहता है फाइंड करो सम ऑफ एन टर्म निकालनी है, उस एन टर्म दे रखी है, ये एन टर्म क्वेश्चन में दे रखी है, ऐसे निकाल लो, इसकी वैल्यू पुट करा दो वन से, गिवन है ये, गिवन है, तो एस एन की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा, एन की वैल्यू क्या आएगी एन स्क्वायर, टू की पावर है 2n प्लस 2, सिग्मा सबके साथ अलग कर लो, तो एस एन कितना आएगा सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा 2 की पावर है, ये तो ठीक है, चलो सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, 2 की पावर सिग्मा एन, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, बताया था मैंने इसको 2 बार सिग्मा एन 2 बार, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये नहीं लिख सकते बाकी ठीक, तो उसको कैसे करते बताता हूँ, सिग्मा एन स्क्वायर याद करो, 2 की पावर एन को बताया हुआ है कैसे करते हैं हम 2 की पावर एन को, अभी ऐसे ही रहने देते हैं सिग्मा 2 की पावर एन को, स्केल लगा देते हैं 1 2 एन 2 की पावर वालों को, पावर वालों को स्केल, इंट्रोडक्शन से सी फ्रॉम इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है तुम्हारे को, यहाँ से 2 बार आ जाएगा सिग्मा एन हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा सिग्मा, इसको सॉल्व कराओ क्या आएगा सिग्मा एन, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर n, चलिए सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दो, क्या आएगी n, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये बन जाएगी gp ar की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, सिग्मा एन की वैल्यू आएगी n इनटू n प्लस 1 बाय 2, 1 की आएगी, बस इसमें a और r की वैल्यू पुट करो, एन आ गया, ए क्या आएगा 2, कॉमन रेशियो भी 2 आएगी, 2 से 2 कट गया, कहते हैं सम ऑफ एन टर्म निकालना है, व्होस एन टर्म दे रखी है, एन आ गया एन स्क्वायर 2 की पावर एन 2 एन प्लस 2, वी नो दैट एसएन होता है सिग्मा एन, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर 2 की पावर एन 2 एन प्लस 2, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा 2 एन सिग्मा 2 की पावर एन, पर 2 सिग्मा में नहीं जाता, ये बात याद रखना, 2 जो है पावर सिग्मा में नहीं जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर है, सिग्मा 2 की पावर एन 1 2 एन है, 2 बाहर सिग्मा एन है, 2 बाहर सिग्मा होगा, सिग्मा एन स्क्वायर, इसको कैसे तोड़ देते 2 की पावर 1 स्केल लगा देते इस पे, सिग्मा पावर वाले में कैसे करते थे सी इनटू फ्रॉम इंट्रोडक्शन में कहा हुआ 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर n 2 इनटू सिग्मा n सिग्मा n इनटू n प्लस 1 2 n प्लस 1 बाय 6 a r की पावर n माइनस 1 r 2 इनटू n इनटू n प्लस 1 बाय 2 2 n r, यहां की वैल्यू पुट कर दो आंसर, चलो ओके बाय, 15 तक कर लेना क्वेश्चन।